दोस्तों, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर की अगर मौत हो जाए तो हम सबको पता है कि उसको बीमा कंपनी क्लेम देती है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर बहुत पहले मैंने एक रिपोर्ट आपसे साझा की थी, एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए रास्ते में ड्राइवर अपनी गाड़ी की रिपेयर करवा रहा है, साइड में खड़ा है, रोड साइड में गाड़ी को ठीक करवा रहा है, वहां पर किसी ने टक्कर मार दी, ड्राइवर की मौत हो गई, तो भी उस केस में क्लेम मिलेगा उसको। एक केस ये था कि ड्राइवर सड़क से उतरकर गाड़ी के लिए, गाड़ी गर्म हो गई थी, एक पास में नदी थी, वहां से पानी लेने गया और वहां पर डूब गया। उस केस के अंदर भी कोर्ट ने रूल किया कि उसको क्लेम मिलेगा, क्योंकि तब भी वो जॉब ही कर रहा था, जॉब के दौरान ही उसकी मौत हुई, जॉब की वजह से ही उसकी मौत हुई, ऐसे भी कह सकते हैं। तो उस केस में जो है उसको क्लेम मिला। लेकिन आज मैं पहले आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर जर्नी के दौरान, अगर गाड़ी चलाते वक्त या बीच में वो रेस्ट कर रहे हैं दोपहर में या शाम को ड्राइवर, उस समय उसको हार्ट अटैक हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए और मौत हो जाए ड्राइवर की, तो क्या उसे क्लेम मिलेगा? जो नॉर्मल पॉलिसी करते हैं गाड़ी की, उसके अंदर ड्राइवर कवर होता है, क्या उसके अंतर्गत ड्राइवर को क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बेहद अहम है आपकी जानकारी के लिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे आप ड्राइवर हो, चाहे आप गाड़ी के मालिक हो, ट्रांसपोर्टर हो, बुकिंग एजेंट हो, कोई भी, तो आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट पूरी देखिएगा और बहुत ही अहम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत अहम फैसला इस केस के अंदर आया है, जहां पर एक ड्राइवर की कई साल पहले, लगभग 19 साल पहले, एक हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट, छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 2400 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट केस है। 2003 में विशाखा सिंह नाम के एक ट्रक ड्राइवर थे, मुंबई के रहने वाले थे, वो गाड़ी लेकर गए थे मुंबई से रांची, झारखंड के अंदर, और फिर वापस आए, रांची से मुंबई आ रहे थे और रास्ते में नासिक रुके हुए थे, वहां पर उनको हार्ट अटैक होता है और उनकी मौत हो जाती है। ये गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर है जिसके ऊपर वो ड्राइवर थे और तरविंदर सिंह उस गाड़ी के मालिक थे। जब ये हादसा हुआ दोस्तों, उसके बाद जो फैमिली थी विशाखा सिंह जी की, उन्होंने लेबर कोर्ट के अंदर अप्लाई किया क्लेम को लेकर, लेकिन लेबर कोर्ट के अंदर जो लेबर कमिश्नर थे, उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया। जो क्लेम मांगा गया था वो 3,94,120 रुपये की कॉम्पनसेशन मांगी गई थी। ये मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर की जो सैलरी होती है उस हिसाब से उसकी कितनी उम्र है, कितनी उम्र बाकी थी, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, एक फॉर्मूला है सेट, उसके हिसाब से 3,94,120 रुपये बनते थे। लेकिन 3,94,000 तो क्या देने थे, एक भी फूटी कौड़ी भी जो थी लेबर कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई। उनका कहना था कि केस बनता ही नहीं है, क्लेम बनता ही नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक से मौत हुई है, कोई एक्सीडेंट या गाड़ी चलाते वक्त मौत नहीं हुई है, इसलिए इसका मौत का उसकी एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका जो ड्राइविंग का काम था उसका हार्ट अटैक से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए क्लेम किस बात का, ये कह के केस रिजेक्ट कर दिया गया था उसी समय। उसके बाद ये जो केस था वो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा और तब से इसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। हाल ही में इसके ऊपर फैसला आया है, वही फैसला ही जो है आपको बताना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कौन सी बातों पर गौर करा और अंत में हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया। उन्होंने दो तीन बड़ी गलतियां निकाली लेबर कोर्ट की। पहली गलती उन्होंने ये निकाली कि एक ही वहां पर चश्मदीद गवाह था, वो कौन था, क्लीनर खलासी, वो साथ में था विशाखा सिंह के साथ, और लेबर कोर्ट ने फैसला सुना दिया उसकी गवाही के बिना ही, उसको पूछा भी नहीं कि असल में हुआ क्या था, क्या सिचुएशन थी, कैसे हो गया हार्ट अटैक, उसको उसके बात करना उससे जरूरी ही नहीं समझा गया। ये पहली गलती उन्होंने कहा के पुराने फैसले के अंदर है। दूसरा, जो लेबर कोर्ट ने एक हवाला दिया था शकुंतला श्रेष्ठी केस का, उस केस के अंदर कुछ साल पहले एक क्लीनर मर गया था हार्ट अटैक से और उसकी फैमिली भी कोर्ट में पहुंची थी कॉम्पनसेशन लेने के लिए, लेकिन उस समय कोर्ट ने यह कह दिया था कि यही चीज बोल दी थी कि उसकी एम्प्लॉयमेंट का, उसकी जो
उसकी डेथ हुई है, उसका हार्ट अटैक हुआ, उससे कोई दोनों का लेना देना नहीं था, इसलिए उसको क्लेम नहीं दिया था। उसी को आधार बनाकर लेबर कोर्ट ने ये कोर्ट जो केस था वो रिजेक्ट किया था, ये कॉम्पनसेशन रिजेक्ट करी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि दोनों केसेस में फ़र्क है, आप सिर्फ खलासी को नहीं मिला वो क्लेम जो था कॉम्पनसेशन, तो ड्राइवर को भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको दोस्तों बताऊं कि जो आधार बनाया था फैमिली का कि हार्ट अटैक हुआ क्यों, उनका कहना ये था कि जो उनका काम था वो मैं आपको पहले बताऊं कि बॉम्बे टू रांची गई थी गाड़ी, ये 1800 किलोमीटर बनता है, और फिर वापसी थी 18 दिन लगे थे, 17-18 दिन उनको रांची पहुंचने में, और वापसी में 8 दिन फिर उन्होंने गाड़ी चलाई, लगभग 26 दिन ऑलमोस्ट लगातार उन्होंने गाड़ी चलाई, साथ में कोई को ड्राइवर भी नहीं था कि उनको आराम मिल जाए। और कितना टेम्परेचर होता है कैबिन के अंदर और किस तरीके के हालात हैं, पुलिस को रिश्वत देनी है, लड़ना है, झगड़ना है, व्यापारी से वाद विवाद, पुलिस को जगह जगह पर पैसे देने हैं, टोल वालों से बात करनी है, व्यापारी से बात करनी है, बॉर्डरों पर रुकना है, ये सब जो है उनका कहना था कि स्ट्रेसफुल जॉब है इनकी। और 18 दिन लगातार पहले गाड़ी चलाई बॉम्बे टू रांची, फिर रांची टू मुंबई जब वापस आ रहे थे नासिक तक, तब भी 8 दिन वो गाड़ी चला चुके थे, तो उस स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक आया। उससे पहले वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, कोई उनका हार्ट की कोई उनको बीमारी नहीं थी, इसलिए जो मौत है वो इनकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, उनकी ड्राइविंग की वजह से हार्ट अटैक हुआ, ये उनका कहना था, तर्क था, जिसको पहले लेबर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इस केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये करी कि आपने ये कह के कर दिया कि खलासी को एक फलां केस के अंदर जो था उसके हार्ट अटैक का उसकी जॉब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस केस में ये देखना होगा कि खलासी के ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहता है जितना ड्राइवर के ऊपर प्रेशर होता है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं, वो देखिए रेस्ट भी कर सकता है, वो इधर उधर देख रहा है खलासी, थोड़ी देर आंख भी झपक लेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइवर तो पूरा अलर्ट होकर चलाएगा, एक्सीडेंट से गाड़ी बचानी है, उसको स्ट्रेस है कि टाइमली पहुंचना है, फिर वहां से पेमेंट भी लेनी होगी, 20 चीज़ें हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए, गाड़ी में से माल चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, डीजल चोरी हो गया, मालिक खलासी को कुछ नहीं कहता, मालिक ड्राइवर को पकड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें का जो स्ट्रेस लेवल है वो खलासी का अलग है, अब वो गाड़ी के ड्राइवर का अलग है। तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये एक डिफ्रेंसिएशन करी और गलती निकाली लेबर कोर्ट, और इस बात को माना बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि ये जो इतना जॉब है कि 17-18 दिन लगातार गाड़ी चलाना, और वो दिन में कितने कितने घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे आप स्टेयरिंग पर हैं, और फिर वापसी पे चलाना, कोई हेल्प ना होना साथ में, तो ये सारी चीज़ स्ट्रेस कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से ये जो है हार्ट अटैक हुआ है। इसलिए इस बिना पर क्लेम रिजेक्ट कर देना कि हार्ट अटैक का एम्प्लॉयमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ये सरासर गलत है। इस लेबर कोर्ट की जो दलील थी इसको खारिज किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अगर RTO या टोल कर्मचारी आपको GVW पर 5% की छूट नहीं दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल। इसके बाद फैसला अंतिम क्या सुनाया, उससे पहले मैं आपको ये जो जजमेंट आई है इसका मैं आपको कुछ चंद लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पैरा नंबर 28 है, द लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग फॉर अबाउट 3600 किलोमीटर्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू जनरेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इवन सबकॉन्शियसली। कि जो 3600 किलोमीटर्स गाड़ी चलाना है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उससे स्ट्रेस दिमाग पर पड़ता है, चाहे सबकॉन्शियसली हो। कहने का मतलब कि अगर ड्राइवर से वैसे पूछोगा कि कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, तो बोलेगा नहीं, लेकिन दिमाग के पीछे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पीछे स्ट्रेस होता है जो हमें कई बार पता नहीं चलता। हमें खुद को टेंशन होती है, कई बार हमें पता नहीं होता लेकिन टेंशन होती है, उसको सबकॉन्शियसली हम बोल देते हैं। तो वो ये बॉम्बे हाई कोर्ट की बहुत अच्छी एक उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन है, आई एम देयरफॉर पर्सुएडेड टू होल्ड दैट इन द फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट केस द डेथ ऑफ द डिसीज्ड कैन बी सेड टू हैव बीन एक्सेलरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एसोसिएटेड विद द लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट 18 डेज इन ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मानने पर मजबूर हूं कि 18 दिन तक मुश्किल हालातों में लगातार लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करने की वजह से ही विशाखा सिंह की मौत हुई। तो दोस्तों, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंत में फैसला सुनाया वो ये था कि कॉम्पनसेशन बनती है 2,78,260 रुपये। अगर 2003 में ही फैसला हो जाता है इनके हक में तो इतनी कॉम्पनसेशन बनती थी, लेकिन अब क्योंकि बीच में 2003 से आप लगा लीजिए कि लगभग 19 साल का गैप है, तो 12% के हिसाब से ब्याज भी मिलेगा, और ये ब्याज लगभग जोड़ा हमने तो ये 9,20,000 रुपये के आसपास टोटल रकम बनती है ब्याज लगाने के बाद। तो अब फैमिली को 9,20,000 रुपये के करीब ये पैसे मिलेंगे। हालांकि बहुत
लेट न्याय मिला है। अगर 2003 में ही 9 लाख ना सही 2-3 लाख 4 लाख रुपया भी मिल जाता तो फैमिली के लिए शायद वो ज़्यादा काम आता और इतनी जो है कोर्टों के चक्कर ना लगाने पड़ते। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, फ्यूचर में भगवान ना करे किसी और के साथ, किसी और ड्राइवर के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो ये जजमेंट बहुत काम उनके आने वाली है। इसका हवाला देकर और केसेस के अंदर भी अच्छे फैसले होने की उम्मीद। और 25,000 रुपये खैर पेनल्टी के रूप में भी लगाए हैं कोर्ट ने, 25,000 रुपये इससे एक्स्ट्रा भी मिलेगा। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया है जिससे कम से कम आगे के जो ऐसे केसेस होंगे, अगर भगवान ना करे कोई और ड्राइवर के साथ ऐसी बात होती है तो ये एक जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट का काम करेगी। इसका हवाला देकर और केसेस के अंदर भी अच्छे फैसले हो सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें, ज़्यादा खबरें मिलेंगी और आसानी से मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।